कैसे हो आप सब लोग। तो हेलो, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मैंने सुबह 11:30 बजे से स्टार्ट किया, देखा बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। अच्छी थी ना साउंड, तो बारिश की वजह से मेरा पूरा स्टडी टेबल था वो बिल्कुल गीला हो गया था, क्योंकि 2-3 दिन से यहाँ पे लगातार बारिश हो रही है। फिर मैंने जो सोचा कि वेक्टर का जो पेंडिंग लेक्चर रह गया उसको मैं सबसे पहले कंप्लीट करती हूँ। मैंने 6 लेक्चर कर लिए थे, सिर्फ एक रह गया था 7th वन, तो मैं सबसे पहले उसको कंप्लीट करने लगी। तो फिर वैसे यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश होने के कारण ना लाइट वगैरह भी नहीं आ रही है ढंग से, तो मेरा फ़ोन भी बहुत कम चार्ज था। तो जैसे जैसे करके मैंने 7th वाला लेक्चर कंप्लीट कर लिया। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं यूनिडा डायमेंशन स्टार्ट करूँगी। मैंने ये प्लान बनाया था कि 3-3 लेक्चर करूँगी। फिर थोड़ी सी ब्रेक ली और फिर यूनिडा डायमेंशन की बारी आई, तो मैंने वो करना स्टार्ट किया। तो वैसे ही फिर से लाइट चली गई। तो जैसे ही लाइट आई तो मेरा सिर्फ एक ही लेक्चर कंप्लीट हुआ था, क्योंकि 2 घंटे का लेक्चर होता है तो उसको लिखते करते 2.5 घंटे तो हो ही जाते हैं। अगले दिन भी बारिश बहुत हो रही थी, तो बारिश की वजह से ना बिल्कुल सब खराब हो गया था, क्योंकि लाइट वगैरह भी नहीं थी और ना ही कोई काम कर पा रहे थे ढंग से। तो अभी देखते हैं क्या होगा। बस इतना ही ब्लॉग।